हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि। तो अपनी गाड़ी में थोड़ा डेकोरेशन का काम हुआ है इंटीरियर में, जो कि काफ़ी सस्ता हुआ है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं करवाया है, लेकिन थोड़ा करवाया और काफ़ी सस्ता हुआ है। तो वही दिखाने वाले हैं क्या करवाया है और किस तरीके का इंटीरियर देखने में लगता है। तो ये देखिए अंदर से, जो कि काफ़ी सस्ता हुआ है और अंदर से भी गाड़ी काफी सही लग रही है देखने पर। एक कपड़ा भी देखिए, यहाँ यानी यहाँ से फिट किया है, एक पिंचिंग वगैरह यहाँ पर लगाए हुए हैं जिससे ये खिसके नहीं। अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये दोनों 450 रुपये में फिट हुए हैं, यानी कि ये कपड़ा लगाया हुआ है और ये भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो पहले अगर इनकी डिजाइन की बात करते हैं कैसे सेट हुए हैं, तो पीछे में साइड भी लगाया हुआ है और यहाँ से भी यहाँ फिट किया गया है। ये अलग अलग डिजाइन में मिल जाते हैं, जिस भी डिजाइन में आपको लगवाना है, और अलग अलग कलर में भी मिल जाते हैं। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया है। इसका जो कैप है वो भी निकल गया है, तो ये डलवाना है। तो आपको किस तरीके का इंटीरियर देखने में लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सनवाइजर पर भी फिट किया हुआ है जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंचिंग वगैरह से ये सेट करते हैं। और ड्राइवर ने लगवाया है दोनों, तो 450 रुपये पड़ा है। अब ये पता नहीं है कौन कितने का पड़ा है, लेकिन दोनों 450 रुपये में लगे हैं। तो एक का 200 होगा, एक का 250 होगा, लेकिन काफ़ी सही लग रही है गाड़ी अंदर से देखने पर। और भी इसमें मॉडिफिकेशन होना है, उस पर भी आपको वीडियो मिलते जाएंगे, जैसे इसमें सीट कवर डलना है और हेडरेस्ट भी इसमें फिट होना है, और म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा इसमें लगना है। रिवर्स पार्किंग कैमरा लगेगा और पैन मतलब कि सबवूफर भी लगेगा, तो म्यूजिक सिस्टम भी लगना है। अभी तो ऐसा नॉर्मल ही लगा है, चलता तो है लेकिन नॉर्मल है। अगर चार्जर की बात करते हैं तो चार्जर पर मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी सही चार्जर है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप अपने मोबाइल को जल्दी चार्ज कर सकते हैं इससे। बाकी कुछ यही था कुछ डेकोरेशन। चलो यहाँ दूर से भी दिखाते हैं आपको। तो इंटीरियर देखिए काफी शानदार लग रहा है देखने पर। अब दीपावली आ गई है तो धुलाई भी होगी गाड़ी की। और काफी गंदी पड़ी हुई है, जो मैट वगैरह है वो भी इसमें लगवाना है, यानी कि बिछवाना है यहाँ पर। और एक बात और, अपनी गाड़ी में आप कपड़ा ये जरूर लगवाएं, एक प्लास्टिक जैसा आता है ये, तो एक कपड़ा जरूर लगवाएं। इससे क्या होता है कि ये नीचे, जैसे कि ये कलर निकल गया, अगर ये लगा होता पहले से तो ये निकलता नहीं है। तो इस तरीके का कपड़ा लगवा लें, यहाँ से फिट किया जाता है, जिससे ख़राब नहीं होता है, वो कलर वगैरह है ना वो छूटता नहीं है, तो ये जरूर लगवाएं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस तरीके देखने में लग रही है गाड़ी। मुझे तो काफी सही लग रही है और पैसे भी ज्यादा नहीं है। अपने हिसाब से और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं गाड़ी में, जैसे अगर सीट की बात करते हैं तो ये सीट बड़ी भी हो जाती है, यहीं से फिट हो जाती है, लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पर ये साउंड का बॉक्स रखा हुआ है, जिससे ये गद्दी बना के ऐसे ये टूट गई, हालांकि ये इसको बनवाना है दूसरी, और ऐसे फिट करते हैं तो तीनों बन जाते हैं आराम से। तो इसमें और दूसरे साउंड डलना है जो मैंने बताया है, म्यूजिक सिस्टम इसमें बहुत तगड़ा डलेगा, यानी कि जो कार में डलवाते हैं उससे भी इसमें तगड़ा डलेगा बेस ट्यूब, और
एम्पलीफायर, हाई क्वालिटी का स्टीरियो इसमें फिट होना है, तो उस पर भी वीडियो मिलेगी। और बाकी तो क्या, बस गाड़ी की धुलाई होना है। तो आपको किस तरीके का ये मॉडिफिकेशन लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर यहाँ से बात करते हैं तो काफ़ी सही लग रहा है वैसे, कुछ भी सामान वगैरह रखते हैं तो डैशबोर्ड ख़राब नहीं होता है। इसको लॉक अगर ऐसे लॉक करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक अलग अलग है, उस वाले का अलग लॉक होता है, उस वाले का अलग होता है। जैसे यहाँ से ऐसे कर दिया, उसके बाद क्या करना पड़ता है, ऐसे खींचना पड़ता है इसको। अगर नॉर्मल ऐसे लगाएंगे तो ये लॉक नहीं होगा, क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे खींचा और इसको ऐसे करना पड़ता है और ऐसे लगा दिया, इससे लॉक हो जाए। अगर लाइट की बात करते हैं तो हेडलाइट भी चेंज होनी है, जैसे यहाँ पर एक ख़राब हो गई है तो इसको भी चेंज करें, यानी दोनों चेंज करवानी है, एक ए वाली और एक ए वाली। दोनों सही है लेकिन ए वाली क्या है कि अंदर से कुछ भी जो भी होगा हो, इसमें शायद छेद वगैरह जो भी हो तो एक खिसक भी गई अंदर से, तो चेंज होनी है, मट्टी वगैरह इसमें भर गई है, तो दोनों चेंज होनी है। बाकी गाड़ी खड़ी हुई है और अभी भाड़े पे तो नहीं पहुँचा है, क्योंकि गाड़ी में काम भी होना है थोड़ा, क्योंकि टायर भी इसके जो है वो ख़राब हो गए आगे के, तो दूसरे डलना है। और दीपावली आ गई तो धुलाई वगैरह होगी और पूजा होने के बाद फिर बाद में गाड़ी जाएगी। और इसकी स्टेपनी जो है यहाँ पर रखी हुई है, इसकी स्टेपनी का भी अगर पीछे की टायर की बात करते हैं तो ये न्यू डलवाए हैं, तो पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के टायर ख़राब हो गए हैं। स्टेपनी का अगर बात करें तो यहाँ पर रखती है, तो इसका जो पहले पुराना आता था इसमें, यानी कि एक ऐसे एंगल से लगे रहते थे ऐसे आप फंसा दो स्टेपनी, उसमें क्या है कि वो टूट गए थे एंगल, तो इसलिए इसमें दूसरा लॉक डलना है, जिससे वो रॉड वगैरह से ऐसे चढ़ाते नहीं है, जैसे खिसक के चैन वगैरह रहती है तो वो डलना है इसमें। बाकी अंदर से भी गंदी पड़ी हुई है, तो इंटीरियर आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी मॉडिफिकेशन गाड़ी में होगा, जैसे इसकी बॉडी भी बनवानी है तो उस पर भी आपको वीडियो मिलेंगे, क्योंकि इसमें माल लोड होता है तो इसकी बॉडी है ना जो फैल गई है, तो ये भी बनवानी है। और कई सारे आपको रिलेटेड मिल जाएंगे पिकअप रिलेटेड वीडियो, उनको भी आप देख सकते हैं, सारी वीडियो आनी बाकी है पिकअप रिलेटेड, तो वो भी आप देख लेना, काफ़ी सारी आपको जानकारी मिल जाएगी उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना।